देश में शनिवार को कोरोना के 58,562 मरीज मिले या 87,493 लोग ठीक हुए और 1,537 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 30,518 की कमी रिकॉर्ड की गई। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में मिले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 81 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 30 मार्च को 55,237 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज से देश में 18 प्लस लोगों को वैक्सीन लगनी हो जाएगी शुरू। आज से 18 से 44 उम्र के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप कोविन ऐप पर अब ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार पर आरोप लगाए जा चुके हैं कि सरकार कोरोना से मरने वालों का सही आंकड़ा पेश नहीं कर रही। इसके अलावा कई राज्यों पर कोरोना से होने वाली मौतों में धांधली होने का मुद्दा उठाया गया था। अब सरकार ने इस मामले पर कहा कि कोरोना से होने वाली सभी मौतों को कोविड डेथ के रूप में ही दर्ज किया जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना के 124 मामले सामने आए और 7 की मौत हुई। 124 दिन बाद दैनिक मामलों का आंकड़ा सबसे कम है। इससे पहले 16 फरवरी को 94 संक्रमित मिले थे, उसके बाद से यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 398 मरीज स्वस्थ हुए। कुल संक्रमितों की संख्या 14,32,292 हो गई। इनमें से 14,05,287 स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक कुल 24,914 मौतें हुई हैं। मृत्यु दर 1.74% है।